पीछे सीटी की आवाज आ रही है, मम्मी ऐसे कैसे व्लॉगिंग होगा, आप सीटी बजाओगी तो। आज मैं और मेरी मम्मी आए हैं वन प्लस के इवेंट में। मैं कहाँ, मैं कैमरा इधर है, इधर। मम्मी अपना इंट्रो रिकॉर्ड कर ही रहे थे तब तक एक फोटोग्राफर आ गया फोटो लेने के लिए। सो हमने उसके बाद रिकॉर्डिंग रिज्यूम नहीं की बिकॉज लाइन ऑलरेडी बहुत लंबी थी। जैसा दिख रहा है मैं लाइन में खड़ी हूँ, मम्मी जाके बैठ गई थी क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट्स हो गए थे हमें लाइन में। मम्मी के नी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो मैंने बोला आप जाके बैठ जाओ। ये जब हमें एंट्री मिली वेन्यू में बहुत लेट मिली, उसके बाद काफ़ी भीड़ हो ही गई थी। फिर हमने मर्चेंडाइज कलेक्ट किया और खाने के लिए लिया, मैंने फिर जाके कॉफ़ी लाया क्योंकि उसमें बहुत लंबी लाइन थी। तो मम्मी को मैंने एक जगह फाइनली बैठने के लिए बोला, बहुत मुश्किल से सीट मिली। फिर हम लोग जब मेन इवेंट में अंदर गए तब वहाँ पे चेयर्स थे, वहाँ पे फिर मम्मी को फाइनली रेस्ट मिला, मम्मी फाइनली अपने बैठ पाई ढंग से। मुझे देखना था कि ई सिम वन प्लस 12 बाहर में प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि 12 वन प्लस 12 काफ़ी एक्सपेंसिव है और 12 बार भी कम एक्सपेंसिव नहीं है। तो आई थिंक उस प्राइस पॉइंट पर उन्हें ई सिम में इंट्रोड्यूस करना था बट उन्होंने किया नहीं। तो पूरा इवेंट देखने के बाद फाइनली हम लोग वहाँ से निकले। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि प्रगति मैदान में पार्किंग मिल जाएगी, सो मैं कार लेके नहीं आई और मेरे को बहुत रिग्रेट भी हुआ कि कार लेके आना चाहिए था क्योंकि कैब बुक करने में ऑब्वियसली बहुत सरदर्द होता है। तो फाइनली हम लोग घर पहुँचे 2 घंटे के बाद और इसीलिए बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि मम्मी खाना बना रही है, सो प्लीज़ इग्नोर इट। ब्लैंकेट तो मैंने खोल के नहीं देखा, मैं बस उठा के ले आई। देखते हैं, क्वालिटी तो अच्छी दिख रही है, साइज भी अच्छा है, काफी बड़ा है, अच्छे से कवर कर सकते हैं एक इंसान को। नाइस, मेरे को थोड़ी सर्दी हुई है उसकी वजह से मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आएगी, तो प्लीज़ बेयर विद इट। नेक्स्ट है ये ईयरफोन्स, ये है वन प्लस नॉट बड्स 2। इसका रिटेल प्राइस लिखा है 3299, बट आई थिंक कि जब सेल होता है तब ये 2500 के अराउंड जाता है, सो इट्स अ डील। इसका कलर है थंडर ग्रे, ये भी खोल के दिखाती हूँ। सो ये कलर है इस बड का, कलर तो अच्छा है, लाइक दिस कलर। मैग्नेटिक बड्स है, देखते पहनने में कैसे है, पहनने में भी कंफर्टेबल है। लास्ट टाइम जो लॉन्च इवेंट हुआ था वन प्लस 11 का, उसमें जो ईयरबड्स इन्होंने दिए थे वो काफ़ी अनकंफर्टेबल थे, वो भी अच्छे बट साउंड क्वालिटी उनकी भी बहुत अच्छी थी बट बहुत अनकंफर्टेबल थे मेरे लिए पहनने के लिए। तो मेरे वो वाले बड्स रखे ही हुए हैं वैसे के वैसे, मैंने बहुत ही रेयरली कभी यूज़ किया है उसको। नेक्स्ट है ये कैप, वन प्लस का नेवर सेटल का कैप, मेरे लिए थोड़ा लूज है बट एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्टेबल कैप है, इसमें एडजस्ट करने के लिए दे रखा है। आपकी क्वालिटी भी अच्छी है, आई थिंक मेरे से ज़्यादा मेरा भाई चुरा के पहन लेगा, वो जा नहीं पाया था बेचारा, उसका एग्जाम था। उसके बाद है ये बड़ा सा बैग,
बैग को कवर करने के लिए भी ये वाला जो कवर बैग है या रेन बैग है क्या है पता नहीं, बट ये भी काफी अच्छे क्वालिटी का है। डेफिनेटली मेरे घर में ये रीयूज होने वाला है, प्रॉब्ली साड़ी रखने के लिए, बट काफी अच्छे क्वालिटी का, लाइक इट। ये है बैग जो हमें मिला है। लैपटॉप स्लीव है, चेन है, पॉकेट्स है, और ये आप इसका साइज इंक्रीज भी कर सकते हो, यहाँ पे ये दे रखा है। बाकी क्वालिटी तो अच्छी है, मुझे पसंद है, ये मैं यूज करूंगी। बैग का प्राइस लिखा है कुछ? Nope, made in China. और इस कलर का नाम है वाइल्ड स्लेट। दो कलर में आता है, फ्रेश स्नो और वाइल्ड स्लेट। हमें वाइल्ड स्लेट मिला, बट दैट्स गुड, आई लाइक दिस कलर। उसके बाद है ये पैक्ड है, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है। थिंक बॉटल होगा, बिकॉज ये शेप तो बॉटल वाली ही लग रही है। आई थिंक स्टेनलेस स्टील बॉटल हो सकता है। लेट्स सी। ओ, ये तो टेम्परेचर स्मार्ट कप है। लेट्स ओपन दिस अप। इसमें टेम्परेचर ऊपर बताता है कि उस बॉटल में पानी या जो भी है उसका टेम्परेचर क्या है। एंड इसलिए वन प्लस का लोगो। इसमें आप अपना टी कॉफी कुछ भी ब्रू भी कर सकते हो, दैट्स नाइस। अच्छा है, अभी क्या टेम्परेचर दिखा रहा है? पानी है नहीं, बट फिर भी 16 डिग्रीज दिखा रहा है। हवा 16 डिग्रीज की होगी। तो गुडीज में, मर्चेंडाइज में तो हमें यही मिला, बाकी हमें वहाँ वेन्यू पे खाने के लिए और एक बॉक्स मिला और कॉफ़ी मिली। तो कॉफ़ी तो हमने उसी टाइम पी लिया, बिकॉज दिल्ली में अभी ठंड है और इतनी देर हम लाइन में खड़े थे। हम लोग, मैं, मेरी मम्मी, हम लोग पहुँच गए थे आई थिंक 4:40 पे, हम लोग वेन्यू पे पहुंच गए थे। एंट्री 5:30 से स्टार्ट थी, तो उतनी देर हम लोग लाइन में खड़े रहे और हमें एंट्री मिली आई थिंक 5:30 स्टार्ट हुआ, हमें 6:30 जाके वेन्यू में एंट्री मिली। एंट्री में लाइन थी, उसके बाद ये मर्चेंडाइज कलेक्ट करने के लिए भी लाइन थी। तो 6:45 के अराउंड हम लोग अंदर गए, ये खाने का बॉक्स लिया, फिर कॉफ़ी में बहुत लंबी लाइन थी, कॉफ़ी लिया और आ गए। अब ये बॉक्स ओपन करते हैं, देखते हैं बॉक्स में क्या है। ओह, ग्लू से चिपका रखा बॉक्स को, फट भी गया मेरा बॉक्स। ओह, क्या क्या है इसमें, व्हाट इज दिस? काफी लाइट वेट है बटर, इसमें मेयो या पता नहीं क्या है, मेयो जैसा ही लग रहा है कुछ। मेयो है, केसडिया है। जेसपू क्या कर रहे हो? सब तुम ही खाओगे, खाना खा चुके जेसपू, जाओ। ये क्या है, आई डोंट नो, नो आइडिया। ये अगेन आई डोंट नो ये क्या है। आई लव इंडियन क्विजीन, सो sorry if I don't know, but this is bread, this is cheese I think, और नीचे tomatoes हैं। पास्ता मेरे भाई ने खाया, उसको काफी अच्छा लगा पास्ता, पेस्टो पास्ता है। ये अगेन क्या है, I don't know, जिसे
रेलवे स्टेशन पे या मेट्रो स्टेशन पे आपको सैंडविच मिलता है ना, क्रीम वाला सैंडविच, ये सैंडविच ना करके इसे रोटी में बेक कर दिया मैदे की रोटी में। आई थिंक मीठा होगा और मीठा मैं खाती नहीं। दिस इज लाइक चूरोस बट हार्डर। चूरोस आर सॉफ्ट बट दीज आर हार्ड एंड डजंट कम विथ चॉकलेट। लास्ट है ये, वॉट इज दिस बर्गर? लाइफलेस बर्गर, सोललेस बर्गर। क्या है इस बर्गर में? कुछ भी नहीं है इस बर्गर में। रख दो वापस, नॉट इंटरेस्टेड। और ये पीटा ब्रेड चिप्स हैं, ये तो मैं ऐसे ही खा लूंगी, ये मीठा नहीं होता। आई थिंक ये डिपिंग इसी के लिए है बट मैं डिपिंग नहीं खाऊंगी, आई डोंट लाइक मेयो। सो ये, और ऑब्वियसली एक पानी की बॉटल। बस यही था हमारा वन प्लस के लॉन्च इवेंट में हमें जो जो मिला, मर्चेंडाइज एंड फूड। सो वी आर फाइनली बैक आफ्टर सो लॉन्ग। मैं बीमार थी इसीलिए हम लोग काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं कर रहे थे। और ये हमारा बुक कट जेस्पू, प्लीज इसके फेस पे जूम इन करिए, ये बुक्कड़ के फेस पे। अभी अभी खाना खा के आया है ये, फिर भी इसको भूख लगी है। सो यस, ये जो अभी खाना देखा इसमें से 90% क्या एवरीथिंग मेरा भाई खाएगा, मेरे को कुछ इसमें से इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा। मैं जाऊंगी अभी खिचड़ी खाऊंगी, आई लव खिचड़ी। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, आई डोंट नो कब आएगा बट आएगा। जैसे हम अभी वापस आए बहुत टाइम के बाद, नेक्स्ट टाइम भी आएंगे। सो बाय बाय, सी यू। एडिट एडिट एडिट। पिछली बार हम वन प्लस 11 के लॉन्च इवेंट में गए थे, तब उस टाइम पे हमें खाना बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। उस टाइम पे भी ब्लू टोकाई का था, इस बार भी ब्लू टोकाई का है, बट इस बार मेरी मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सॉरी, अब क्यों नहीं अच्छा लगा आई डोंट नो। मम्मी ने कैमरा पे आने से अभी रिफ्यूज कर दिया है, तो मैं खुद आई हूँ। मैंने उसमें से केसडिया खाया, दैट वाज नाइस, ठंडा हो गया था बट ऑब्वियसली इतनी ठंडा तो ठंडा होगा ही। केसडिया वाज नाइस एंड मेरे भाई ने पास्ता खाया, उसको पास्ता अच्छा लगा। और लाइफलेस बर्गर अभी किसने नहीं खाया, लाइफलेस बर्गर रखा हुआ है लाइफलेस होके। और ये क्या है, नो आइडिया, हमने ट्राई किया, नो आइडिया व्हाट इज दिस, कुछ टेस्ट नहीं है, डिड नॉट लाइक इट। और चूरोस मेरी मम्मी ने खाए हैं बहुत सारे, चैनल का नाम पता है आपको क्या है? मदर डॉटर चैनल। तुम सिर्फ डॉटर ही दिख रही हो उतनी देर से, मदर का गायब है, मदर पीछे से बैकग्राउंड नॉइज निकाल रहे, कभी कूटने का, कभी कुछ करने का। ब्रेकफास्ट नहीं है ये, जो भी है ये बिल्कुल बेकार। कचौड़ी दे देता, समोसा दे देता, शादी है ना, ये भी दे देता, मजा आ जाता। भाग गई। तो अभी मेरा और मम्मी के खाने के लिए खिचड़ी बन रहा है, आई लव खिचड़ी, खिचड़ी खाएंगे हम। मैं हमेशा बोलती हूँ खिचड़ी बना दो, खिचड़ी बना दो, तो मेरी मम्मी गुस्सा करती है कि रोज़ रोज़ खिचड़ी कौन खाता है। लेकिन मुझे खिचड़ी पसंद है, मसाले वाली खिचड़ी होती है, आई लाइक खिचड़ी, सबको खानी चाहिए खिचड़ी। मेरे भाई ने अभी मम्मी वाला पास्ता खाया, मेरा पास्ता अभी रखा हुआ है, मैं खाऊंगी बाद में या नहीं भी खाऊंगी। मेरा भाई खाएगा, मुझे पास्ता उतना नहीं पसंद। मेरे भाई ने मम्मी वाला ये खाया, उसको अच्छा लगा, मीठा है ये। अगेन मीठा मैं खाती नहीं, मुझे पसंद नहीं मीठा, तो नो मीठा फॉर मी। सो यस, तो क्रीम रोल तो आपको पसंद है, खा लो। नहीं है ना? अरे तो खा के तो देखो। नहीं ना, क्रीम
तो क्रीम डाल देते हैं इसमें, इंजेक्ट कर देते हैं क्रीम। हाँ, क्रीम ही रोल देता। 20 रुपए का क्रीम रोल। हाँ मम्मी, 20 रुपए का मिलता है क्रीम रोल मेट्रो स्टेशन पे। आप खुश हो जाती हो और बाकी लोग? हाँ, बाकी लोग का आप क्यों? सही बात है, सही बात है। और ये मैं खाऊंगी बाद में। पीछे सीटी की आवाज आ रही है, मम्मी ऐसे कैसे व्लॉगिंग होगा, आप सीटी बजाओगी तो। बाय।